अत्यंत हर्ष अत्यंत जोश और जुनून के साथ ये सूचित करने जा रहे हैं कि जाट समाज प्रीमियर लीग क्रिकेट महासंग्राम रुणकरण सर का ये मेगा फाइनल मुकाबला ग्रेट ग्रैंड फिनाले शुरू हो चुका है। सभी भाइयों से निवेदन है जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े और इस मेगा फाइनल मुकाबले का लाइव आनंद लें। मेगा फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है केप कोबरा अर्जुन सर वर्सेज भोजी क्लब श्री डूंगरगढ़। टॉस हो चुका है, टॉस जीता यहाँ पर है केप कोबरा ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। बहुत ही शानदार मैच देखने को मिलेगा। धन्यवाद। 12 कप्तान जेड़े सोलैन दोनों टीमों के कैप्टन वीर ध्यान 12 ओवर का जो मैच खेडा जाएगा सुपर डुपर फाइनल मैच के जीतू ही बिच मैदान में आऊ या फिर जीतने मेहनत दाते लाने वाले पहली गेंद फेंकी जा रही है। उच्ची सोच वाले ऊंचाई चाहने वाले पहली गेंद को डिफेंस किया यहाँ पर राजेंद्र डाला ने कहते पा दिखी मुंडा इस वे डूबरगढ़ वाला मेरे मित्रों लाओ सावर वाले के लिए पहली शुरुआत की फाइनल मैच पहले ओवर की शुरुआत लाओ पहली बार फिर से एक अच्छी गेंद मुंडा फिर प्यारा अर्जन शर्मा कहते ट्राई करता थे दो बाल कहते सावर वाल दिया हो चुकी हैं। अगली बार पावली कहते सावर वाल फिर प्यार है उधर दर्शकों की बड़ी खुशखबरी है भी जरा एक आसरा कैद फड़ेगा जयवीर चेता जी महाराज की मिस्टर गोगरा मुकालिया आप भरावान वालों बड़े शर्मा कहते हो गए मेरे मित्रों सावर मल ने तीन वाला पाइया तीन ही कहीं खाली पाइया सावर मल अगर हैट्रिक बना पाए तो हलदर सेवा केंद्र के ओनर श्रीमान मनोज जी सऊ के द्वारा 500 रुपए का नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाएगा। बढ़िया गेंद थी में पहला ओवर डाल रहे और अब स्ट्राइक के ऊपर विशाल गोदारा विशाल गोदारा अगर पहली बॉल पर सिक्सर जड़ पाए तो सिद्धार्थ कॉटन राम राम साहब बीरबल जी अशोक जी सोनी जी नहीं दारा जी नहीं है सम्मानित किया जाएगा। डीटी गोदारा जी कृपया करके मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें आदरणीय श्रीमान डीटी गोदारा सर। अगर गोदारा साहब साढ़े दरमियान आए बड़ा धन्यवाद है स्टेज से विराजमान जी ने भी सत्कार योग सिक्षता बैठी है सब का धन्यवाद है। लाओ पैंती है बार लाओ सामने विकास इस वेले तैयार है पहली बार से अगर शक्का लगता तो बड़े सम्मान हो गए कोटो निकल वाले भावों वालों लाओ पैंती बार बालू के लिए ड्राइव दिता पर उधर पास एक सिंगल कहते योग दिता मुझे अर्जन साहब की टीम टॉस जीत के पहला कहते बल्लेबाजी कर रही है ते टीम कहते डूंगरगढ़ की जड़ी बाला भर रही है ते पहला ओवर आ कहते चोटी ना मेरे मित्रों बालर लाओ पैंती बार बार खेला खूब चोट और ये गेंद गई मिसफील्डिंग के रास्ते मैदान के बाहर बहुत बड़ा धन्यवाद है सारे वीरां दा हर चार आखिरी चोटी का मैच है 41,000 से गल्ला 21,000 दी चल रही है दर्शकों का हौली हौली चक्करदारी वाली कथ कहते पाता जाता शहीद भगत सिंह स्टेडियम चा दिखती हुई जाता सिरा हो जाता हौली हौली सिरा नहीं एंड हो जाना के मुंडा कादा सिरे भी आ चीज मित्रों अज लुणकर साहब के खेल मेले भी करूंगा पूरी रीत मित्रों अज रीतें कई ने पूरी कर लिया सब अगला ओवर लाओ सामने इस वे सुजान इस वे वार पाने तैयार है खेल के मैदान के अंदर उधर बड़ा धन्यवाद है सारे वीर का जार समाज का बड़ा धन्यवाद है वड्डा कप करवाया मेला कहते समाप्ति वाल वाधा जा रहा है जड़े भरा रस्सिया के उपर बैठे रस्सिया तो खड़े हो जाए आओ सामने जेडे वीर रस्सिया के उपर बैठे रस्सिया तो खड़े हो जाए साड़ी बेनती है कहीं मूसेवाला सुनिया पक्का सीधू मूसेवाला सुनते हैं मुंडे ता पंजाबी समझ आई है मुंडिया मनोज कलकल भी कहते सीधू मूसेवाली इलाक का फायदा जी ने गला आतिया पंजाबी त्रिखी के बच्चे आप पूरी कहे दुनिया हिला के रख दी पंजाबी के गीतों के अगली बार अगला ओवर पावली कबू फिर प्यार है फिर के मैदान के अंदर बहुत बड़ा धन्यवाद है सारे भावों का जिन्हें भी वीर सत्कार के योग स्टेज के विराजमान ने सारे मान योग वीरों का धन्यवाद है जाट समाज का धन्यवाद है फाइनल मैच है
अंदर आते हुए गेंद और विशाल ने इसे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया सीधा 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट सिलेक्शन विशाल गोदारा के बल्ले से। यहाँ पे एक मौका है और ये लीजिए मौका हुआ पूरा। सुदान ने कर दिया है विशाल को कैच आउट करवा दिया है यहाँ पर। बारह रन के स्कोर पे पहला विकेट गिरा। विनीत जी शर्मा राम राम साहब। आपके प्रिय मित्र हनुमान हुड्डा खेल रहे हैं इस बार, हनुमान डबास खेल रहे हैं सॉरी। और इस क्रिकेट विशाल गोदारा आउट होकर के वापस दगआउट में लौट चुके हैं। केप कोबरा की ओर से अंत समय केप कोबरा का कुल स्कोर 56। सेल्फ वाला मुंडे ने पहले क्या भी सेल्फ आ गए। राम राम साहब। जयवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं मोमा सर से। जयवीर जी कोशिश करेंगे आज शाम को मोमा सर आने की। सारे वीरों का धन्यवाद है जो कीमती समय से समा काट के साथ दरबार पहुंचे हैं। आज जिन्हें भी वीर स्टेडियम के बैठे हैं सारे का धन्यवाद है। लव ऐसे सुजान बालकौली प्यार। बहुत बढ़िया गेंद थी अर्जन सर वाला। आओ हल्के जनाल की ता ड्राइव ते एक सिंगल दे वादे जिहड़े कर दिते आ एक सिंगल दे नाल और रन कने 13 हो गए मेरे मित्र। अच्छा आप गुजरात गए हुए हैं कोई बात नहीं। 13 स्कोर के जा जुड़े पहली पारी के खेली जा रही है। थैंक यू मिस्टर मोहम्मद इमरान। एक पासे टीम के डूंगर कर दी बाला पा रही है ते मुंडे कहने अर्जन सर वाली किंग कोबरा टीम आ नाम तो जानी जाती है टीम जेडी इस वेले कहने बल्लेबाजी कर रही है। लो सुजान अगली बार हनुमान की समझावा तैनू पता। लो सुजान आ जिन्ना मर्जी समझा दे हनुमान करनी अपनी मर्जी है। लो पहली बार अंदर आ गई गेंद ट्राई की है वाही वाह। लो एक सिंगल जरा जोर दिता एक सिंगल दे नाल वादे जड़े कर दिते रन कहने 14 जा जुड़े है। बहुत बड़ा धन्यवाद है साडे भरावां ने कहने फटी जिम्मेवारी सांभी है जिथे जिथे भी भरावान ने काम किया सारे भरावान का धन्यवाद। शमा बोल है भाई शमा। तो हमारे बीच जिसमें दाप समाज के गणमान्य हस्ती श्रीमान राजेंद्र जी मुंड डॉक्टर राजेंद्र जी मुंड बहुत ही शानदार गेंद और राजेंद्र जी मुंड के द्वारा फाइनल मुकाबले की दोनों टीमें केप कोबरा अर्जुन सर और फिर डूंगरगढ़ को 1100 रुपए देने का ऐलान किया गया है। जोरदार तालियां डॉक्टर राजेंद्र जी मुंड के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजेंद्र जी मुंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैन रूप कलकल के फोन पर कोई कॉल है करें इस समय स्कोरिंग उनके फोन में फिर से एक अच्छी गेंद दुनिया भर में दो ओवर की समाप्ति स्कोर 14 रन। नंबर पर आप कॉल नहीं करें ये अपने मोबाइल से स्कोरिंग कर रहे हैं इससे डिस्टर्बेंस पैदा होता है। सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण फेसबुक पेज हुक्मी राम लाइव क्रिकेट राजस्थान इस नाम से फेसबुक के ऊपर सीधा प्रसारण किया जा रहा है और इस प्रांत समाज के छोटे बड़े देशों में क्रिकेट टूर्नामेंट इस समय देखा जा रहा है और लाइव पर तकरीबन 800 के आसपास हमारे नियमित श्रोता नियमित दर्शक इस समय जुड़े हुए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीपीएल सीजन फर्स्ट भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम लोहित पर 14 रन इस समय बनाए जा चुके हैं। दो ओवर की समाप्ति के बाद केप कोबरा के द्वारा इस बार केप कोबरा की रफ्तार थोड़ी सी धीमी नजर आ रही है। महामुकाबला है ये फाइनल मुकाबला है सीपीएल सीजन फर्स्ट का। 14 रन दो ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान था। Thank you.
अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं हरसोलाव से, स्वागत है अभिषेक जी। सभी प्लेयर्स को बेस्ट ऑफ लक आया है बजरंग जी दबास की तरफ से, धन्यवाद बजरंग जी। यहाँ पे कंचा शॉट खेला है और ये लीजिए मोस्ट वांटेड विकेट मिली है, फौजी साहब ने दिलाई सफलता। राजेंद्र डाला आउट होके बाहर जाते हुए, खराब शुरुआत जी नहीं, नदीम भाई का मैच यहाँ पर नहीं है। गंगानगर के दिग्गजों ने निराश किया, चाहे रोहित बेनीवाल हो, चाहे विशाल गोदारा हो, चाहे अपने सौरभ योनर रामपुरा हो, आलोक मटिल्ली एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने यहाँ पर हमारे जिले का सर गर्व से ऊंचा किया है। और श्री डूंगरगढ़ टीम के ऑनर है हल्दर सेवा केंद्र के, राम राम साहब चिमन जी डिडेल हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं, संतुराम जी जानी जे हो वीर तेजा जी महाराज की, मोती जी दबास बेस्ट ऑफ लक भेजा है फौजी इलेवन क्लब को। बहुत बड़ा धन्यवाद है जिन्होंने बड़े ऐलान किए, ऐलान आप सुना देते हैं, आ कहते बड़े सम्मान किए जाने विजेता टीमों के लिए, नाल खिलाड़ियों के लिए, नाल वड़े प्यार कदे दर्शकों के लिए होंगे, जिहड़ा एक हाथ नाल कैच फड़ेगा उन्होंने भी सम्मान कदे वड़े दिते जाने आ। सिगेंती और डीडी गोदारा लाल क्रिकेट स्टेडियम पर बैनर है, कोई भी बड़ी बात अगर डीडी गोदारा के बैनर के ऊपर स्थित पर चढ़ पाया तो 500 फौजी साहब की अच्छी गेंदबाजी पहले ही ओवर में को देकर के सम्मानित किया जाएगा। और इसमें बैट्समैन के लिए डोंगोन एरिया में सबसे बड़ा जो बैनर दिखाई दे रहा है, बढ़िया फील्डिंग उस बैनर के ऊपर कोई भी बल्लेबाज अगर स्थित पर चढ़ पाया तो 500 जी नहीं, अजीत कड़वासरा संजय कड़वासरा और डारा जी नहीं है आज। लो आलोक मटीली कहते तैयार है इस वे बल्लेबाजी के उपर, लो बाल पाने कहते मुंडा फौजी तैयार है मेरे मित्रों, बहुत बढ़िया मुकाबला कहते खेडा जा रहा, लो पैंती बाल एक और अच्छी गेंद सम्मानित किया यहाँ पर आलोक मटीली ने इस गेंद को, बाल कहते साउंड पा दी फौजी कहते ट्राइया करता बाल पाने सामने कहते मुंडा आ मटीली वाला कहते बार बार ट्राइया करता जेडी इतो जितनी आ कहते 41,000 की हकदार हो जा रही है, जेडी सैकंड रही अगे नाल 21,000 यहाँ पर मिली है सबसे बड़ी सफलता। वाह भाई वाह फौजी साहब कमाल कर दिया है, आलोक मटीली सस्ते में आउट होके बाहर, फौजी ने तो उसी काम करता टूटी मंजी बार पुराना बिजली थी तारे। धन्यवाद प्रकाश जी, बहुत बहुत आभार आपका, बिल्कुल आपने सही याद दिलाया, फोर आवर्ड नाइन टूर्नामेंट काउंट डाउन शुरू हो चुका है, ये लीजिए पूरी डिटेल। 14 रन है ते आउट, 7 दिन और शेष बचे हैं टीम की एंट्री करवाने हैं, 14 रन 10 आउट ते तीसरा ओवर चल रहा है, तीसरा ओवर आ कहते प्रगति ते आ लूनका सर की धरती है मेला कहते जान सुना जरा आ वड्डा खेडा जा रहा, बहुत वड्डा धन्यवाद है सारे वीर का सारे भरावान का, आ कहते चोटी का मैच आ नाल कहते वड्डा भाई है साडा चैन रूप जी कलकल जिन्हें वही जिम्मेवारी सामी है स्कोर की, और भरावान भी धन्यवाद है शहीद भाई सिंह स्टेडियम आ कहते लूनकर सर की धरती है जिते कहते अज दर्शकों का पूरा इकट्ठा आ कहते मेला कहते चोटी का करा दिता, लो बाल पाओ भी फौजी इस वे तैयार है, पहली बार अगले पासे से ड्राइव की ग्राउंड शाम सिंगर कहते दौड़ के मुंडे ने पूरा किया झंडे झोलते हैं आ कहते क्रिकेट के ग्राउंडा के नाल, फौजी ने 1 रन दिता 2 विकेट आउट कीतिया 1 ओवर के 1 रन ते 2 आउट किए, तगड़ी कहते बालिंग भाई है मुंडे ने डूंगरगढ़ वाले ने, ओवर की समाप्ति है जी 10 ओवर तो बाद स्कोर 15-10 आउट होने को बाद बहुत वधिया मैच जिहड़ा खेडा जा रहा है, अर्जन सर की टीम जिहड़ी कहते खेल रही है फाइनल सुपर डुपर फाइनल मैच की शुरुआत कहते हो चुकी है,
दर्शक वीर करे निगाह ला के बैठे आ कदो छक्का आवे ते कदो एक थरा फड़ के अब आए हैं गेंदबाज कदो आपा मान सम्मान प्राप्त कर गए इंतजार दीपक दर्शक वीर शेरावत दीपक शेर आवत पिछले मैच के सुपर हीरो अपनी टीम को जिताया था गेंदबाजी के दम पर दीपक शेर आवत है ये वार भारे मेरे मित्रों फिर से मैदान अंदर जिना बीका ने है जिते अगर राउंड की मड्डी लगी है आप बदला दी भी शाम अच्छी मठी पहली गेंद और यहाँ पे एक बड़ा हिट मारने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने लेकिन वे ट्राई नहीं किया नहीं मलिंगा नहीं आएंगे ये आखिरी मैच अब तो टूर्नामेंट का बल्लेबाज डीडी गुदारे ने पोस्ट वाले पासे छक्का मारदा ते डीडी गुदारा साहब ऐलान कर दिया भी 500 दिता जाएगा डीडी गुदारा भरा वालों जरा इधरले पासे पोस्टर ते छक्का आवेगा और ये लीजिए यहाँ पे डंडे उखाड़ दिए हैं दीपक शेरावत ने दीपक शेर आवत है ये आओ जी आओ टाइम ना लाइव के अपन लाइव के कोले बैठ के किने जाते हैं राम कुमार भाई कह रहे मुंडे में किने लाइव के कोले बैठ जाते हैं एक जना एक बल्लेबाज लाइव के कोले बैठ जावे जाके आ बहुत बढ़िया मैच खेला जा रहा है हम पकड़ के मजबूत होती जा रही है मैच के सिरे का खेला जा रहा है रन कहते 15 ही हो गया हेलो चाय वाले भैया चाय वाले भाई साहब हेलो 5-7-15 का प्लेयर हो गया इधर आ जाना खाली हाथ मत आना और हमारे बीच इस समय श्रीमान खेलने पड़ेंगे पूरे बारे हमारे बीच सेलिब्रिटियों का आना लगातार जारी श्रीमान हनुमान जी सिन्हा क्रिकेट स्टेडियम पर बता रहे हैं जिनके अनंत गहराइयों से हनुमान जी सिन्हा का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद दोस्तों जी नहीं डारा जी नहीं है 15 के स्कोर पे 4 विकेट गिर चुके हैं चौथा ही ओवर चल रहा अभी एक और अच्छी गेंद तो हमारे बीच श्रीमान राजा राम जी गार्ड का अपनी चादर उपस्थिति बनाए हुए आप सबकी जानकारी के लिए बता दो कोई भी बल्लेबाज अगर राजा राम जी गार्ड के घर तक फिर से अच्छी गेंद स्टेडियम के आगे जो पीपल है उसके आगे सड़क से आगे यानी सड़क के ऊपर बाउंस करने के बाद जब उनके घर तक पहुंची तो भी आपको 5100 रुपए नगद पुरस्कार देंगे बहुत गजब की गेंदबाजी हो रही है खबर नंबर 4 से बताया जा रहा है माता राम क्षेत्रवाल और लंबी पटों पर बहुत गोदारा आलोक मुकिल्ले के आउट होने के बाद जी नहीं डारा जी और कड़वासरा नहीं आज बड़ा मुकाबला है मुकाबलों में अगर आप अपने आप को प्रूफ कर पाए तो निश्चित रूप से आप भी दोस्तों की दुनिया में स्टार बन जाओगे और ये लीजिए और की हुई समाप्ति जी हाँ मनीष जी हनुमान जी देवास खेल रहे हैं मेडन ओवर था ये दीपक का मेडन ओवर इस टूर्नामेंट का दीपक शेरावत सिर्फ डूंगरगढ़ की ओर से ये एक्सीडेंट मेडन ओवर डाला गया एक बार जोरदार तालियां दीपक शेरावत के लिए एक्सीडेंट 8वां मेडन ओवर सीपीएल सीजन फर्स्ट का दीपक शेरावत सिर्फ डूंगरगढ़ के नाम गया है हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यकर्ता दामा ने भी यहाँ पर मेडल अवर डाला था और वो टूर्नामेंट का पहला मेडल अवर था और श्रीमान सुरेंद्र जी सहारन के द्वारा भी इस टूर्नामेंट में एक मेडल अवर डाला गया है ये दोनों हमारी क्रिकेट राजेंद्र आउट हो चुके हैं हमारे लिए भी गर्व की बात बहरहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद केएस कोबरा ने 15 रन बहुत कम रनों के लिहाज से इस समय स्कोर बोर्ड नजर आ रहा है पर्यावरण का ये मुकाबला तो 8 ओवर का खेल और बाकी इस समय बॉलिंग में एक बार फिर कोई फर्क नहीं फिर डूंगरगढ़ सर्कस का सबसे महत्वपूर्ण तीर जो इंडियन आर्मी भारतीय सेना से बिलोंग करते हैं रामनिवास आंवला के हाथ
अपनी बॉलिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी कमाई गई है। बी कंटिन्यू अपने कोटे का दूसरा ओवर इसमें राम निवास आंवला पर लो। राम कुमार कहते बाल पौली फिर तैयार है खेल के मैदान के विच। लो सामने इस वे किंग कोबरा कहते नंदू तैयार। लो पहली बार नंदू बहुत ही शानदार गेंदबाजी दर्शक काफी संख्या में आए हुए हैं यहाँ पर। तारियां बज गई कहते तेनू तैयार कर दिया नंदू खाली सफाई जाना भी मुंडे कहते भी छक्का मारे तारियां नौ बज गई फौजी वास्ते बज गई मुंडा कहते फिर से अच्छी गेंद फौजी ने फिर कहते बाल आगड़ी पाई है पर नंदू कहते बड़ोकों ने पाइया पट्टिया करता मेरे मित्रों बाल कहते दौर खेल के मैदान पा दी है तगड़ा मैच कहते खेलिया जा रहा है उधर जिन्हें भी सरकार की लोग भा इतने वीर आ स्टेट विराजमान आ सरकार के लोग भा बैठे सब का धन्यवाद है। और ये लीजिए यहाँ पर मिली है सफलता बल्लेबाज को शानदार सिक्स। ये देखिए दर्शक काफी संख्या में बैठे हैं यहाँ पर व्हाइट बॉल का इशारा अगले पासे आने भी थले गोल टोपी आए किसी गल न थले आ टोपी लाउन भी जानते हैं टोपी पाउन भी जानते हैं। लो अगली बाल पौली फौजी आ मुंडे खड़े आ कुछ कही रहा मैनू उल्टा गेंद भले भले सामने कहते इस वे मुंडा कहते प्रोपर आ कहते अर्जुन सर का अच पुत बन गए आ बल्ले बल्ले गिराई आता पर अगले पासे एक सिंगल ढेरा कहते तेई जहाज जुड़े आ कोई भी बल्लेबाज अगर बैक टू बैक तीन सिक्सर लगा पाया तो श्रीमान राम दयाल जी शिविर की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाएगा। बैक टू बैक तीन सिक्सर अगर कोई भी बल्लेबाज लगा पाया तो राम दयाल जी शिविर की ओर से 500 रुपए धन्यवाद। प्रेम जी मूड बड़ा भाई है साडा जी वालों बड़े प्यार के नाल ये गेंद फिर से चढ़ गई बल्ले पे और पहुंच गई मैदान के बाहर शानदार चार रनों के लिए रन चार। इस ओवर में जरूर कुछ राहत बरसी है रन चार शुरुआत 27 के जा जुड़े 27 स्कोर। राम कुमार भाई की सुनो गल की हाँ सुरक्षा बहुत सुरक्षा बहुत जो है तो इतने कमेटी वाले भरावों को होगा जी देते आओ हेलो
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। म्यूट वापस ऑन कर दिया गया, कोई अर्जेंट कॉल आने की वजह से म्यूट करना पड़ा। और इस गेंद पर बल्लेबाज भी अनम्यूट हुए हैं, शानदार चौका जड़ा। हनुमान डबास आए हैं गेंदबाजी डेक पर। अब आवाज आ रही है निर्मल जी। बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट, जबरदस्त एनर्जेटिक माहौल इसमें बना हुआ है, गर्माहट भरा माहौल इसमें। ये अच्छी गेंद थी, विशाल गोदारा आलोक मटिल्ली जैसे दिग्गज बल्लेबाज जो सबसे में आउट होने के बाद इसमें रनों के हाथ पूरी तरह चरमरा दी गई है। ये कोबरा अर्जुन सर पत्ती चरण अमर नंबर सटा इसमें डाला जा रहा है, एक अच्छी उपयोगी साझेदारी। और ये लीजिए, बहुत ही शानदार प्रयास था दीपक का। एक समय ऐसा लगा कि ये जादुई कैच लपक लिया गया, लेकिन फिर कैच ड्रॉप हुआ। ये अब तक की गेंदबाजी लिस्ट, 4 आउट, 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर 33 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत बढ़िया मुकाबला कहते खेला जा रहा है, जिदा क्या छाया ना ऐसे खड़ गया तो इन्हें काम टैट कर देना, इन्हें काम वो कर देना जिदा किसी तो नहीं होया कि सानू जान दिया दुनिया से काम होने हैं। जी हां, बाबा की टीम हार के बाहर हो गई है। जेने पारियां तो लोग लाउंदे पारियां, वो पानी साडे पीते होया सिर कदवे रिकॉर्ड पैदा किए होया, अज रिकॉर्ड पैदा किए जाने। लाओ पहली बार आओ सामने, बल्ले बल्ले बल्ले, वाह वे मुंडिया वाह वे चोपड़ा ते इक सिंगल दे साडे अपने दर्शन शर्मा मुंडा अपनी टीम दे हिस्से दे विच कर गया। रन कहिंदे 34 हो गए, फिर मैदान दे अंदर अगली बार पावली कहिंदे मुंडा फिर तैयार है। दीपक सेहरा बताए हैं वापस गेंदबाजी देख पा रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, हाँ जी हाँ, उधरले पासे क्रिकेटर के लिए फिर जोर देता आशु केंद्र फटा भाइया साड़ा जी ने 200 के प्यार आ दोनों कमेंट्री वाले भरावा ने पुजदे किए आ, मेहर करे परमात्मा चढ़दी कलाई च रखे भरा नू आ बड़े प्यार पुजदे किए आ भरावा ने। एक पासे कहते टीम आ कहते बाला भर रही है डूंगरगढ़ की, टीम कहते किंग कोबरा अर्जुन सर बल्लेबाजी कर रही है। आ पंडी बाल छक्का होना चाहिए, और ये लीजिए यहाँ पे सीधा शिकार खोजी साहब के द्वारा। वाह भाई वाह, ग्रेट थ्रो एक ग्रेट मैन की तरफ से, बहुत बढ़िया फील्डिंग। देखते हैं बजरंग जी कहां तक जाता है स्कोर। जी बिल्कुल एसपी साहब, बहुत ही शानदार फील्डिंग थी कमांडो साहब की। एसपी बिश्नोई ने बधाई भेजी है भौजी साहब आपको, इस गेंद के बाद दिखाएंगे भौजी साहब को।
बहुत बढ़िया गेंद, ये रहे भोजी साहब, एसपी भोजी साहब, एसपी साहब ने बेस्ट ऑफ लक भेजा, एसपी बिश्नोई बीकानेर से। बोला भाई शाबाश, बहुत बढ़िया बोले शाबाश। रामकुमार समझा के तो रफी मुंडिया ने समझा के तो रफी कामल नहीं होता लगता, नहीं तो वही गल बन जानी है। फिर से ये फुल टॉस गेंद गई लेकिन फील्डर तैनात इस दिशा में, बढ़िया फील्डिंग सावर दाट के द्वारा। सातवें ओवर की लास्ट गेंद बाकी, जरूर बजरंग जी, विशाल भाई को राम राम जरूर बोलेंगे आपकी तरफ से। एक और अच्छी गेंद, एक सफल ओवर की समाप्ति हुई है। सात ओवर से शक्ति ने स्कोर जान जुड़े से पांच के भी अट के हो चुके हैं। आठवें ओवर की शुरुआत केड़ा बॉलर आ करेगा, हनुमान के टपास से बाल पानी फिर तैयार है। बाद बचा कदे नया मुंडे का हनुमान टपास पूरिया कह दी है, मापे कहते हनुमान हनुमान कहते हैं, जो माता नाम लेंदी है हनुमान मेरा पुत्र कितने है, हनुमान फिर अपना वादा दिता कहते आठ क्रिकेट का स्टार कहते इसे वाला भारिया फतिया समझा दे मुझे अगले पैसे वाइड बाल जारी पा देती है। डूंगर की टीम ने मजबूत स्थिति बना ली है, मैच में पूरी तरह से पकड़ बना ली है। मोहम्मद सर के स्टार प्लेयर हनुमान डब्बास गेंदबाजी कर रहे हैं इस टाइम। शानदार शॉट, चार रन के लिए गेंद, रन चार जड़े हो चुके हैं, चारों के नाल और रन के लिए चार ही हो गए मेरे मित्रों। अर्जुन साहब की टीम के लिए खेल रही है किंग कोबरे जो नाम तो जानी जाती है, जिन्हें भी सरकार ने शक्ति है और स्टेज के नौजवान ने सब का धन्यवाद है। अब कहते आखिरी मुकाबला फाइनल मुकाबला गला कहते 41,000 से 21,000 चल रही है, पहली पारी चल रही है, वह पहली बार आठवा ओवर और इधरले पासे तगड़ी बाल पाई है हनुमान कहते दबाव है, जिन्हें तगड़ी बाल पा दी है। सामने कहते फिर मुंडे कहते अर्जुन सर वाले तैयार ने खेल के मैदान अंदर आप चोटी का मैच कहते खेले जा रहा है। कल मुकाबला कहते पंज पीएसडी कबड्डी का महाकुंभ हो जा रहा है, रावले के नेड़े जिला श्री गंगा राम होना आप पड़ाके उठे भी पैने हैं। सरब ने पैसे तगड़ी हिट की है, फौजी भी कहते तालियां मारदा। बाहर से जो प्लेयर थे वो आउट होकर चले गए, राजेंद्र चौधरी, आलोक मट्टीली, नंदू बड़ोपल बैटिंग कर रहे हैं अभी इस टाइम, विशाल गोदारा, केप कोबरा अर्जुन सर के अंदर स्टार प्लेयर थे लेकिन उनको चलता किया श्री डूंगर की टीम ने। तीन मिनटा लगातार डीकी कदों बाल इधर आ गए ते कदों कैच फड़ के कत्ती मार सकदा मुंडे दा राजेंद्र जी मोड़ साहब उन्हां वल्लों 100 रुपया आ मुंडे दे लई जिन्हें एक हथ नाल कैच फोटो भी खिंचो जी मुंडे की, मुंडे ने मूह सिर फड़िया सी, गर्मी भी लगती सी मुंडे नूं, पर अगले पासे वाइड बाल लॉन्ग बाउंस से वाइड। Thank you.
हनुमान कहते डबास अगली बार पौली फिर तैयार है कभी कैच करना तो कर लो जो इंतजार करना तो कर लो जे सौ सौ का इनाम जीतना तो जित लो आ मुंडे वाइट भाई आते हनुमान डबास की बार जी फिर कहने वाइट हो चुकी है वाइट के नाम 48 के स्कोर जा जुड़ा इस वे खेल रहे मैदान के अंदर वधिया मैच की शुरुआत हुई है वधिया कैप करवाया फाड़ा कपा मुंडा चौथी वाला देख रहा बनाया मुंडा फाड़ा देखा अगले पास 49 कदे 49 स्कोर हो चुके 5 आउट 8 ओवर की समाप्ति तो बाद स्कोर कहते 49 कहते जा जुड़िया सहयोग है भरावां दा वड्डे कप्पां दी शुरुआत जिहड़ी होणी आ पर फाइनल मैच जिहड़ा खेडिया जा रहा पहली पारी नौवें की कहते पहली बार पई है पहली पे एन ट्राई की मुंडे अर्जन सर वाले ने लाओ सामने इस वे तैयार है मनोज नंदू लाओ नंदू पले 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 करो कैच करो कैच इतने रख किया कि नहीं किया नहीं किया फेरी फैन वाला खेल दिया मैं लगता ता ही नहीं कैच होंगे तेन पता राम राम हरी भाई। मैच 12-12 ओवर का है फाइनल मुकाबला है अगले बड़े ऐलान करता भरा कहने हनुमान जी सियाग केटीसी ग्रुप ने भरा कहने भी जो छी छके लगातार लाऊंगा तो 53 दिता जाना हनुमान शाह जी साम बैटरी डी आई होती है कह दे ये फाइनल मुकाबला है जाट महासभा जाट समाज का जाट समाज रोड दस का फाइनल मुकाबला है श्री डूंगरगढ़ और केप कोबरा अर्जुन सर के बीच लव पंडित कुमार सामने इस वेले चार और वाह आए हो गया बाउंस बाउंस दे इशारे उधर एक पासे फिर बाल जड़ी सीधी विकेट कीपर दे हत्था दे विच बाल जड़ी फिर डाउट पा दी है छप्पन कहते स्कोर जा जुड़िया 56 कहते स्कोर जा जुड़िया फटा कापा भरावान का धन्यवाद है जाट समाज वाले भरावान ने चिप कर दिते एहोजा ग्राउंड एहोजा साहब एहोजा प्रबंध है फौजी 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 फिर फड़ गया फौजी ने फिर कैच फड़ गया फिर कैच फड़ गया आशु जितेंद्र आ गए कैप्टन ऑफ इंडिया राम कुमार सहारन आशु जितेंद्र चाहे तो अपने कुमार के बिटाने का मुंह खोल सकते हैं तो आशु जी देदड़ की मनोकामना अंत तो गतवा पूर्ण होते हुए नाउ कम जब के कैप्टन ऑफ केप कोबरा ऑफिसर राम कुमार सहारन दारा जी और राजेंद्र चौधरी आए नहीं है आज के मुकाबले के अंदर तो आशु जी देदड़ की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार देकर के राम कुमार सहारन कैप्टन ऑफ केप कोबरा को सम्मानित किया जाएगा बैक टू बैक टॉस शिक्षक के ऊपर 500 रुपए कोई भी दर्शक अगर बाउंड्री लाइन के बाहर केस लपक पाया तो घोषणा लगातार जारी है 100 रुपए राजेंद्र जी मुंड की ओर से एक शिक्षक अगर लगा पाए राम कुमार सिंह सहारन तो आशु जी देकर की ओर से 200 रुपए बैक टू बैक दो लगा पाए तो 500 रुपए
काफी कंटिन्यू चक देखे थे लाओ हट ने पास फिर कहते शुरुआत हो चुकी है। अगर अगर तीन लगा पाए बैक टू बैक तो 1100 रुपए आशुजी देनर की ओर से नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाएगा। राजकुमार राम कुमार इस वे मुंडा कहते सहारा का एक सिंगर के वाधे कर गया एक सिंगर के नाल आ कहते 57 हो चुके हैं। वड्डा मैच है वड्डी टक्कर है महंगे मुंडी धरती कहते राजस्थान की रंजीत कड़वासरा भी नहीं है जिला कहते टीका ने है आ कहते शहर सारा मेरे मित्रों रन कहते चार आ चारा दे साढ़े चारा दे नाल आ स्कोर 61 कहते हो चुके हैं। हनुमान सिहाग जी साडे वीर बड़े ऐलान करदे वी जिहड़ा 6 छक्के लगातार लाउंदा ते किन्ने जी 5400 दित्ता यारा ते नाल राजा राम जी गार साहब ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਮਾਰਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਪਸ ਆਪਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਰਾਜਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਰੋੜੀ ਕੋਟੀ ਆ ਮੁੰਡਾ 18 ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 9 ओवर की समाप्ति स्कोर 61 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद वापस गेंदबाज है गेंदबाज अटैक पे आए हैं दीपक शेर आवत फिर प्यार है मुंडा ते उधर रे बड़े ऐलान होया ना मार दे छक्का बिल्कुल पे जाके खेला इस गेंद को और पहुंचा दिया है फील्डर तक आपा खड़ा कपा अलवर वाला फाड़ा भैड़ा मुंडा अलवर वाला फाड़ा भैड़ा ਸਾਡਾ ਭਾਣ ਵਾਲਾ ਫਲਦਿਆ ਲਗਭਗ ਤੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਹੈ ਆ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਫੌਜੀਆ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰਵਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 500 ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਮੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈਆ ਯੂਰਪ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਆ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਯੂਰੋਪ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਕਦੇ ਲਾਈਵ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ 41,000 ਤੇ 31,000 ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾੜੀ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਪੰਨੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਲੀਜੀਏ ਕੱਢ ਦਿਆ ਹੈ ਕਲੀਨ ਵਰਲਡ ਮਿਡਲ ਇਸਟ ਮੁਕਾਬਲ ਫੇਂਕ ਦਿਆ ਹੈ ਦੀਪਕ ਸ਼ੇਰ ਆਵਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਵਾਹ ਬਾਈ ਦੀਪਕ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਆਪ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਆਭਾਰ ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਲਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਲੂਣਕਰਨ ਸਰ ਕਸਬੇ ਮੇਂ आओ जी आओ जल्दी सुखमी राम लाइव क्रिकेट राजस्थान कहते फटी वैबसाइट है राजस्थान की आ कहते फेसबुक के भरा कहना भी आ मेला कहते सारे भाई देखी जाते हैं 15-16,000 कहते लाइव जुड़े हुए हैं गांव की गांव 7-8-15-20 आ पूरा वर्ल्ड ही कहते लाइव जुड़िया हुआ फटी मुबारकबादा नाल वीर यूरोप वाला भरा भी जुड़िया वड्डा धन्नवाद है हाँ जी मनोज जी बताइए एक और शानदार गेंद दीपक के द्वारा लाओ उधरले पासे जुड़ के क्रिकेट के नाल अगर रजत भरा आ जाए कुलड़िया साहब बड़ा धनबाद रजत कुलड़िया साहब जी हूँ ध्यान जी फायदे वाले पास ध्यान हो जाता नहीं ता ही उठ के इतने आ गए लाओ सामने फोटिया एक 41-21 दिल्ली आंदियां
निशाने फाड़े लाउंदा लाओ सामने बार पौड़ी मुंडा इस वेले जी हाँ कमेंट्री आज मुंडा भाषा में हो रही है श्यामी बाल पैदिया के सामने छिंदा बत्ती आला दीपक लंचा सामने प्यारा फिर से अच्छी गेंद राम ने हर गोली से पता चले राम ने मैं एक दिन एक रात लगातार गोली नहीं थे आ भाई मुंह बैठा अर्जुन सारा कोई गल नहीं बोलते ना ना वो सुन वास्ते यार सुन वास्ते कोई गल नहीं चक्कर करी हाँ ओवर दे बच्चे कर दे दो ओवर दो ओवर दो ओवर ठीक है जी नाराज नहीं होना आपका कोई गल नहीं चक्कर करी ला दो नहीं और करो यार कोई चक्कर नहीं वाइट बॉल का इशारा फिर बोलना आप तो बोल रहे ना उधर एक पास वाइट बॉल अगली बार पंजे ने गल चक्कर मारी तो आने कर रही है तो चांद समाज क्रिकेट के महाकुंभ चैंपियन सीजन फर्स्ट का ये सुपर डुपर फाइनल मुकाबला केप कोपरा बनाम सीरीज डूंगर फिर से एक मौका है और ये लीजिए मिल गई सफलता बहुत ही शानदार गेंदबाजी के साथ अपना स्पेल खत्म किया है दीपक ने दीपक शेर आवत 3 ओवर 7 रन और 3 सफलताएं विशाल गोदारा खेल रहे हैं आज बैटिंग कर रही है टीम विशाल गोदारा की केप कोबरा अर्जुन सर गया है 12 गेंदे बाकी इस पहली पारी की लखनऊ सुपर जायंट्स में नेट प्रैक्टिस बॉलिंग में सिलेक्शन हुआ है बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं बेहतरीन शुरुआत एक बार फिर जोर करके साथ लेकिन उतना ही खूबसूरत खेला गया कि कोबरा की बल्लेबाज अब प्रमोद गुजरात स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे स्कोर कार्ड ये पारी पूरी होने के बाद बताया जाएगा ये ओवर खत्म होने के बाद स्क्रीन पे दिखाया जाएगा और यहाँ पे एक और शानदार कैच लेकिन अंपायर ने इसे नकारा है देखते हैं क्या डिसीजन आता बहुत बढ़िया फील्डिंग अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय कंधे पे जाके लगी थी ये गेंद उल्टोस गेंद और यहाँ पर हनुमान जी ने कैच ड्रॉप कर दिया श्री डूंगर ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग की है बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी श्री डूंगर अच्छी गेंदबाजी सुजान के द्वारा कल रोहित पेंडा राजस्थान के कोटको के सुपरस्टार जिलों के योग पर क्लीन बोल्ड कर दिए गए थे ये प्रतिभा है ये क्वालिटी है ये अच्छी गेंद बल्ला पहले घूम गया श्री भगत सिंह क्रिकेट डूंगर सर पर यही चर्चा थी कि केप कोबरा का रथ कोई नहीं रोक पाएगा लेकिन यहाँ पर फिर डूंगरगढ़ प्रयास करते हुए नजर आ रही है 68 रन 8 विकेट के नुकसान पर इस समय अवर नंबर सुजान ने काफी रन की फुल टॉस गेंद लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं एक रन के साथ जी हाँ ये फाइनल मुकाबला है पूरे भारत वर्ष की प्रतिभाओं को धूम संसद के भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अपना सम्मान दिखाने का शुभ अवसर प्रदान किया गया बहुत बहुत धन्यवाद क्रिकेट एसोसिएशन का सुधार ने काफी ये तो काफी नुकसानदायक गेंद है जी हाँ नो बॉल के साथ दर्दनाक पंजा को
दर्दनाक पंजा आया है ये। अब अगली गेंद होगी फ्री हिट। अर्जुन कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 74 रन 8 विकेट के नुकसान पर कटाक्ष भरा वापस क्रिकेट स्टेडियम। माहौल इस प्रकार का बना हुआ मानो कोई महोत्सव मनाया जा रहा हो, कोई त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा हो। बिगी ग्राउंड के साथ साथ कई गणमान्य हस्तियां भी। और की हुई समाप्ति 11 ओवर 75। जी नहीं, अजीत भाई और डारा जी नहीं खेल रहे हैं इस मैच में। बहुत बहुत स्वागत है, भूपेंद्र जी पायल हमारे साथ जुड़े हैं। 75 रन 8 विकेट के नुकसान पर केप कोबरा अर्जुन सर पहले बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ राम निवास जी, ये फाइनल मुकाबला ही चल रहा है। बाकी 6 गेंदे बाकी इस पहली पारी की कर चुकी है, जिनमें वीरेंद्र चारा भी केप कोबरा टीम में पधारे थे, अशीत सरवास्त्रा भी आए थे। दोनों ने अपने आप को यहाँ पर प्रूव किया। जितने भी जाट समाज में कोस्टो की दुनिया में नामी खिलाड़ी हैं, तमाम खिलाड़ियों ने लोकल की तरह सावर में लाए हैं लास्ट ओवर लेके जरूर दर्ज कराई है छह दिवसीय क्रिकेट महाकुंभ में। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन 18 मार्च को किया गया था। चीफ गेस्ट थे स्वर्गीय डॉक्टर प्रदीप जी गोदारा, और प्रदीप जी गोदारा की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी क्रिकेट के द्वारा रखा गया था। ये गेंद हवा में है, देखते हैं कहां तक उड़ेगी। फील्डर के हाथों में बढ़िया कैच सुजान के द्वारा। अब आखिरी जोड़ी मैदान में। जी हनुमान जी के और हो गए हैं। ₹200 का नगद सम्मान किया जाएगा। आखिरी विकेट के तौर पर, आखिरी जोड़ी के तौर पर प्रमोद गोदारा इस समय ग्राउंड के बीचों बीच पधार रहे हैं। दीप कोबरा ऑल आउट होने के कगार पर पहुंच गए हैं। नंबर 12 और अंतिम ओवर पहली पारी का चल रहा है। पचहत्तर रन बनाए गए हैं अभी तक केप कोबरा के द्वारा 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 5 ओवर का खेल और तेज। सुपर सुपर ग्रांड फिनाले बराबरी का होने की संभावना। आपको जानकारी के लिए बता दूं केप कोबरा के पास कुछ घातक बोनस भी है, तो सामने से डूंगरगढ़ के बीच शायद लास्ट जोड़ी मैदान में कम से कम 20 रन बची हुई 5 ओवर में और उस जोड़े जाए स्कोर बोर्ड में। प्रमोद गोदारा में चलता है सिक्सर लगाने के लिए जाने जाते हैं। अगर सिक्सर का पाए तो प्रदीप सिक्सर के ऊपर गेंदबाजी। अंतिम 4 बॉल का खेल और शेष बना है। सिर्फ डूंगरगढ़ टीम को ऑनर किया गया है। राम राम शाह ईश्वर जी गोदारा हल्दर पिंकू क्रिकेट के द्वारा एमआर सीमर पहली बारी की 3 गेंदे बाकी। अब जाट समाज के तमाम चिंता के लोगों ने भी क्रिकेट एसोसिएशन का कदम से कदम मिलाकर के साथ निभाया है। दिल खोल करके भरपूर आर्थिक सहयोग दिया गया है। और ये गेंद चढ़ गई है बल्ले पर और उड़ के चली गई मैदान के बाहर। बहुत ही शानदार शॉट सिलेक्शन 6 रनों के लिए। मुकेश के बल्ले से शानदार सिक्स आया है ये। 80 रन पूरे होते हुए स्कोर का पहुंचा 82 रन। शानदार बॉलिंग भी है केप कोबरा के। अगर 90 के आसपास अगर बढ़ते तो निश्चित रूप से करारी टक्कर तमाम दर्शकों को देखने को मिलेगी। तमाम दर्शक जिन ताकत के लड़े दूसरी पारी भी इंटरेस्टिंग होने की संभावना है। ये अच्छी गेंद थी। अब आखिरी गेंद इस पहली पारी की। अब आखिरी बॉल डाली जाएगी। चैंपियन सीजन फर्स्ट की पहली पारी की अंतिम बॉल डालेंगे पावर मंच स्ट्राइक पर। इसमें मुकेश सहारन 82 रन बनाए जा चुके हैं लास्ट डिलीवरी 82। फाइनल मुकाबला खत्म होने के बाद भव्य पुरस्कार वितरण समारोह। लास्ट जोड़ी और लास्ट बॉल इस इनिंग की। एक और सुपर बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। इसी के साथ ये पहली बारी समाप्त हुई 83 पे 84 का लक्ष्य। डूंगरगढ़ को 84 रन बनाने।
जी नहीं, संजय कड़वासरा नहीं है। जेपीएल सीजन फर्स्ट चैंपियन बनने के लिए सात आसन राम को जीतने के लिए 84 रन बनाने। बेनी सर के सब दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भागीरथ के गांव से, भागीरथ भाई का गांव बेनी सर।
ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। धन्यवाद सभी को। दूसरी बारी शुरू हो चुकी है यहाँ पर। आलोक मटिली आए हैं पहला ओवर लेके। मनीष सिरोन स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइक पर सज्जू गोवाला आए हैं पारी का आगाज करने के लिए। दोनों सलामी बल्लेबाजी के विकेट के बीच में कौन से के सुपर ओवर पर दूसरी बारी के पहले बॉलर के आलोक मटिली एक कोबरा के स्ट्राइक ऑर्डर से तैयार है। मनीष सिरोन पहली बॉल का पहली गेंद और पहली गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। शानदार चार रनों के लिए खाता खुला चौके के साथ। श्री डूंगरगढ़ अगर ये मुकाबला जीत पाई तो हल्दर सेवा केंद्र के ऑनर और श्री डूंगरगढ़ टीम के स्पॉन्सर करता मनोज जी सौ की ओर से क्रिकेट एसोसिएशन और श्री डूंगरगढ़ टीम सभी को वीआईपी पार्टी दी जाएगी आज शाम को फाइव स्टार होटल में। पहली बाउंड्री के वापसी कर पाएंगे फिर से उड़ाया इस गेंद को, देखते हैं कहां तक उड़ेगी। फील्डर नीचे है और ये लीजिए यहां पे आई है पहली सफलता। बहुत ही शानदार खेल विशाल गोदारा के द्वारा। एक लंबी रेस तय की थी ये केज लपकने के लिए विशाल ने। पहला विकेट गिरा आ रहे हैं मुकेश गोदारा बल्लेबाजी करने के लिए। दूसरी बॉल पर आलोक मटिली विकेट डेंजर में मनीष सिरोन को आउट करने में कामयाब होते हुए मुकेश गोदारा इस समय ग्राउंड के बीचों बीच पहुंचते हुए बड़े डाउन बल्लेबाज के तौर पर बेहद एनर्जेटिक माहौल इस समय बना हुआ है। कोई भी दर्शक अगर बाउंड्री लाइन के बाहर खेत लपक श्री डूंगरगढ़ टीम का कोई भी खिलाड़ी चेकआउट से बाहर न बाउंड्री लाइन के ऊपर न बैठे। क्रिकेट एसोसिएशन हर बार के ऊपर निगरानी बनाए हुए चार रन एक विकेट के नुकसान पर मिलने के बाद आलोक मटिली का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। दूसरी बॉल के फिर से एक अच्छी गेंद ऊपर से बॉल को निकाल दिया डाउन द ग्राउंड एक रन के साथ नए बल्लेबाज अपना खाता खोलने में कामयाब होते हुए स्कोर ऊंचा पहुंचा पांच रन जीत के लिए और 180 रन बनाने। अब स्ट्राइक पे है कद्दू लेफ्टी। अनबिलीवेबल अविश्वसनीय बिगी क्राउड इतने भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम पर देखने को मिल रहे हैं। सुपर डुपर फाइनल मुकाबले को बहुत ही जोरदार शानदार तरीके से लाजवाब तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है एंजॉय किया जा रहा है। दर्शकों की भीड़ को देखकर के ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बड़ा महाकुंभ कोई मेला इस समय भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम पर चल रहा हो। आलोक मटिली बना लेफ्ट फिर से खेला डिफेंसिव शॉट और यहाँ पे तेजी के साथ एक रन पूरा कर लेंगे। एक रन के साथ पूरा पहुंचा छह रन श्री डूंगरगढ़ 84 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टूर्नामेंट में चैंपियन रहने वाली टीम को 41,000 रुपए नगद पुरस्कार और वर्ल्ड कप चैंपियन शानदार ट्रॉफी देकर के सम्मानित किया जाएगा। उप विजेता टीम को भी 21,000 रुपए नगद पुरस्कार और एक चमत्कार सम्मानित किया जाएगा जिस खिलाड़ी का पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतर। और ये लीजिए फिर से उड़ा दिया इस गेंद को और पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर एक और शानदार चौका। दस रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इसमें
और कमेटी में अगर दो दो ओवर की बात हुई तो पहले ही और कमेटी में अब अगले दो ओवर के लिए चिंता आगे निकल के खेला इस गेंद को पूरा कर लिया और दूसरा भी पूरा कर लेंगे। पहली पारी कदे खेडी अर्जन सर की टीम ने आखने 83 बनाई है ते 83 बनाने 12 ओवर जेडे पाए जाने दूसरी पारी जी शुरू हो चुकी है। 66 गेंदों में 72 रन होने चाहिए जेडे हो चुके हैं। एक ओवर की समाप्ति तो बाद ते एक आउट कदे हो चुका। बहुत वधिया मुकाबले आ खेडे गए ते चोटी दी टीम कदे पुज्या होगा। अज कदे लास्ट मुकाबला है ते दूसरी पारी है कदे मित्रों विशाल अर्जन सर वाला कहते प्यार है वार पाने बहुत बढ़िया मुकाबले खेले जा रहे हैं। आ सारे भरावान का धन्यवाद है जेडे वीर आ समय से समा कढ के शानदार गेंद काफी तेज गति से फेंकी गई है गेंद पर कहने टाउट पा दी है फिर से मैदान के अंदर 12 रन कहने हो चुके हैं। आज संघर्ष कहने जारी है 83 टोटल बनाने लाओ हो तो वाइट बॉल का इशारा और फर्स्ट बाउंस का भी अंपायर ने कर देते हैं। बड़ी जिम्मेवारी सामने अंपायर के साथ 2 रन मिल जाएंगे जिन्होंने बड़ी जिम्मेवारी सामने आ फैसले कहते किए वन बाउंस के इशारे वाइट बॉल से वन बाउंस के इशारे आज ने किए बहुत बड़ा धन्यवाद सारे वीर का। आ बनावे स्टोरिया पावे फेसबुक ने भी आ समा जरा आचा ना ये समा कहते फिर ही होगा। आ फिर साल बाद प्रागे ने भी आप आने साल पंजा कप करवाना इसे धरती से आ बड़े इनाम हो गए पर अब गल चल रही अर्जन सर की टीम ने नाल डूंगरगढ़ वाले आ छक्का चौका चंदरी वखी बच बच्चे हूने का बंद पिया दरवाजा जिमें फाटक कोट कपूरे का आ बंद पिया दरवाजा जिमें फाटक कोट कपूरे का वधिया मैच गुरदासा बैठा रहते हुए गलां इतने टका रहे हैं। आ सकोर भाई मेरे को बैठा बैठा रह रहे आ जिते साड़ी लगी आगी रह रहे आ लोग भाड़े थकी आकी रह रहे गेंद और ये लीजिए फुल टॉस भाई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए टायर हो जाएगा। देखते हैं मकबूल सी कौन सी टीम जीतेगी कहने की आऊंगा कैर होगा यहाँ पर एक मौका है और बहुत बढ़िया कैच तो आखिरकार विशाल ने दिलाई दूसरी सफलता अच्छी बात थी यहाँ पे विशाल के द्वारा आउट हो चुके दूसरा ओवर कहते प्रगति बहुत बढ़िया कहते मुकाबला खेडा जा रहा है चोटी के मुकाबले की टक्कर है। बल्लेबाजी का नाम दसो भरा जी बल्लेबाज का नाम की दसो अनिल लाओ इस वे अनिल आ गया मेरे मित्रों बल्लेबाजी के उपर आ चोटी की टक्कर के मेहनत करिए कदे रहे नहीं वेले अनिल आए हैं बल्लेबाज कई सानू हसी जाते हैं
खेला अच्छी फील्डिंग राजेंद्र डाला के द्वारा गल्ला करे जेपी ने लिखिया टिकाने लाओ पंगी बाल और अच्छी गेंद जोरदार अपील हुई लेकिन अंपायर ने इसे नकारा। हेलो मिस्टर इमरान खान उड़ीक रहे सी पिछले दिनों तो भी भरा दे नाल मुलाकात हो गई भरा दे नाल फर्स्ट टाइम मिलिया ते बड़ा प्यार मिलिया जी। नहीं भाई साहब आज किसी कारणवश वो नहीं आ पाए दोनों प्लेयर। और ये बहुत ही शानदार शॉट सिलेक्शन हुआ है रिवर्स स्वीप में शानदार सिक्स। वाह भाई गजू इस बार तो गजू राइट ही बन चुके हैं गजू लेफ्टी। और मुकाबला हाथ से जाने लगे तो लीजिए मेरा भरोसा गणेश 701 तरफ़ी का नया एहसास। बढ़िया शॉट था गजू लेफ्टी बने गजू राइटी। थोड़े से खराब करते हुए यहाँ पर फिर डोंगरगढ़ के कोबरा की 26 रन बनाए जा चुके हैं जिसके लिए 59 रन बनाने सॉरी 84 रन बनाने यहाँ पे व्हाइट बॉल का इशारा। आप पता लगना कि हरे का यार मैदान में कुछ भी हो सकता है कि हरे का तीर कमान है कुछ भी हो सकता है कि हरे का बोल जवान है कुछ भी हो सकता है। आप पता लगना कुछ समय बाद कड़ी टीम जीतती है कड़ी हारती है गला करे 41,000 से 21,000 चल रही है मेरे मित्रों। लाओ पैंती बार यहाँ पे खतरा हो सकता था लेकिन किस्मत का मिला साथ बल्लेबाज गजू लेफ्टी का। फाइनल प्राइज है 41,000 रुपए कईयां दी होनी है साडी केड़ा होंदा वांगू कोई फ्रेंड होगी जिथे जिथे जाऊगा पत्ती वाला सिद्धा चक्करधारी उथे उथे गलबात एंड होगी आ जिथे जिथे जाने चक्करधारी ते पत्ती वाला सिद्धा उथे उथे गलबात एंड होगी। लाओ पैंदी बाल अच्छी गेंद यहां पे नो बॉल का इशारा। सारे पासे फ्री हिट दे इशारे जी हां लाइन ऑफ कंट्रोल से बाहर पाए गए गेंदबाज। बहुत शानदार एम्पायरिंग माणक जी मारवाड़ी और राकेश जी प्रजापत के द्वारा। अब ये गेंद होगी फ्री हिट बची हुई 58 गोल में जीत के लिए 56 रन और चाहिए केप कोबरा अभी भी इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीम का नाम केप कोबरा जो भी नहीं है हारी हुई बात या कई मौकों पर जीती केप कोबरा लेकिन सामने वाले ने डोंगर का फ्री हिट गेंद है ज्यादा प्रमोद जी हाँ फ्रीड गेंद दी है। राम राम साहब सुनील सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस टूर्नामेंट में आपका भी एम रोल रहा था। इसी बीच एक रन तोड़ करके और पूरा कर लिया गया 55 रन और चाहिए बची हुई 57 बॉल में तो चार तक समाप्त क्रिकेट का महाकुंभ में तीसरी बार बारिश की प्रबल संभावना इस समय बनी हुई है। क्रिकेट टूर्नामेंट में आज से पहले 2 बार बारिश खलल डाल चुकी है कई तीसरी बार में डाल दी जाए इस बात का कीप कोबरा के बॉलर और बैटिंग ऑर्डर भी ध्यान रखे शीघ्र क्रिकेट के मुकाबले होने का जारी रखा था। किसी भी समय कुदरत कहर बरपा सकती है और इन दिनों भरपूर कहर बरपाया जा रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत मेहनत करनी पड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा इस मॉल में और ये लीजिए यहाँ पे इस गेंद को उड़ा दिया है पंख लगा के सीधा 6 रनों के लिए
अनिल ने भी अपना खाता खोला सिक्स के साथ। राधा राम जी गांठ की हवेली की तरफ जरूर गई है लेकिन पहुंच नहीं पाएगी हवेली तक, इतनी ज्यादा ताकत कर नहीं चौंकी गई। अगर कोई भी बल्लेबाज राधा राम जी गांठ की हवेली में कोई पहुंचा पाया सारे पहुंच के चली जाए तो 5100 रुपए नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाएगा। 56 बॉल में श्री डूंगरगढ़ को 49 रन और चाहिए, 56 बॉल में 49 रन और चाहिए। मनोज मैना यहाँ पे एक मौका है और ये मौका बिन जी बिल्कुल बहुत ही शानदार कैच लगा गया। अनिल आउट होके बाहर, तीसरा विकेट गिरा 35 के स्कोर पे। सुपर डुपर फाइनल मुकाबले को देखने के लिए इतनी बड़ी क्राउड इसमें क्रिकेट स्टेडियम पर बनी हुई है कि मानो यकीन नहीं हो रहा है। कोई भी स्टैंड कोई भी चेयर इस समय खाली दिखाई नहीं दे रही है। बची हुई 55 बॉल में 49 रन और चाहिए श्री डूंगरगढ़ को यह मुकाबला जीतने के लिए, 55 बॉल 49 रन। ओम प्रकाश गोदारा आए हैं नए बल्लेबाज श्री डूंगरगढ़ की ओर से बैटिंग करने के लिए। कैप कोबरा राम राम साहब मिस्टर विकास गोदारा वापसी करने के आसार रणनीति भी नजर आ रही है। पचपन बॉल जीत के लिए 49 49 रनों की और आवश्यकता। इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने पिछले 20 दिनों से अपना बहुत कुछ डेडिकेट किया है, बलिदान किया है, उनसे भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। मैं हाल मेला अपने बढ़िया गेंद क्रिकेट बॉल को पुश कर दिया टॉस रन से चूक गए दोनों बल्लेबाज शॉर्ट बॉल। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। और दोस्तों अगला ओवर फेंका जाए उससे पहले हम एक आपको महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं। 35 रन बना लिए हैं जी हाँ, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजित करवाने के लिए जिन्होंने हमारा दिन रात नेतृत्व किया श्रीमान राम कुमार जी मुंड बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसी कड़ी में श्रीमान सुरेंद्र जी सारण ने भी अपना बहुत कुछ बलिदान किया, बहुत कुछ जी हाँ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भव्य जाट समाज क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन फर्स्ट, ये खेली जाएगी ठाकुर जी क्रिकेट ग्राउंड पाल बालाजी जोधपुर। एक और जाट समाज का शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है दिनांक 27 अप्रैल से। सभी भाइयों से निवेदन है कि इस पोस्ट पे आप गौर फरमाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जोरदार अपील लेकिन कोई फायदा नहीं। यहाँ पे खतरा मोल लिया लेकिन बचे, बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है विशाल के द्वारा। और इस समय क्रिकेट स्टेडियम पर सेलिब्रिटियों का आना लगातार हमारे बीच राजस्थान जाट महासभा से श्रीमान रामलाल जी जांगू अध्यक्ष महोदय पधारे हैं। रामलाल जी जांगू अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत स्वागत है भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम पर, समय देने के लिए, खेलों को समय देने के लिए, समाज को समय देने के लिए। और जाट राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष रामलाल जी जांगू के द्वारा बहुत बढ़िया गेंद श्रीमान अध्यक्ष महोदय रामलाल जी जांगू के द्वारा इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल। धन्यवाद बजरंग जी, एसोसिएशन को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। जोरदार तालियां रामलाल जी जांगू के लिए। और इस मुकाबले में विजेता रहने वाली टीम मटकी हुई गेंद व्हाइट बॉल का इशारा, फर्स्ट की चैंपियन टीम को फर्स्ट बाउंस के साथ व्हाइट बॉल। रामलाल जी जांगू के द्वारा जावेद दीवार घड़ी देकर के सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच अध्यक्ष महोदय लोनकम सरदार महात्मा के श्रीमान रामलाल जी जांगू का। चैंपियन टीम को 11 दीवार घड़ी देकर के सम्मानित किया। बढ़िया शॉट खेला है अगले बॉल को निकालते और एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे। एक ही रन मिलेगा 50 बॉल में जीत के लिए 46 रन और चाहिए श्री डूंगरगढ़ को। तो धीरे धीरे मुकाबले में राजू रोड़ा की तरफ से बेस्ट ऑफ लगाया है विशाल को। पंजाबी कमेंटेटर चिंता पत्ती वाले भी क्रिकेट स्टेडियम वसीम पिपली बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही शानदार गेंद अन्ना
अपनी बॉलिंग और ग्राउंड फील्डिंग के दम पर छुटी है तो अभी भी राहें फिर डूंगरगढ़ की आसान नहीं है। कोई भी टीम से ये समझे मुकाबले का परिणाम आ चुका है, मुकाबला अंतिम बोल तक जाने की संभावना है। बहरहाल क्या तुझे खेला एक रिश्ते रन के लिए, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर, एक रन के साथ स्कोर ड्रॉप होगा 39-39 रन। टारगेट थोड़ा सा छोटा रह गया एंड ऑफ ओवर नंबर चार ओवर की समाप्ति, स्कोर 39 रन समाप्ति के बाद 39-39 रन। 12-12 ओवर का ये सुपर ओवर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है तो बच्चे भी 48 बॉल में 45 रन और चाहिए, 48 बॉल 45 रन और चाहिए यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए श्री डूंगरगढ़ को। और कमेंट्री में अगले एक ओवर के लिए छिंदा बत्ती वाला स्वागत है। कदे थोड़ी चाहिए आ मुकाबला कभी हो रोमांचक हों जा रहा है। बहुत बड़ा धन्यवाद सारी संगत है जिले की भरा खेल ग्राउंड जुड़ के बैठे आमने में पता लग जाना भी चौके छके कि पैसे आना हिसाब का बोलर नेम बालर नेम दसो जी नंदू पीएल चौधरी साहब देखते हैं हनुमान जी कब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। जब हनुमान जी आएंगे तो जरूर डिमांड रखेंगे हेलीकॉप्टर शॉट्स की। उधर 15 ने भी अपना रुख जरा बदल देता मठी मठी के हवा चलती है परमात्मा की कुदरत मेहर है परमात्मा की आ नगर के उपर लो पहली बार ग्राउंडेड शॉट खेला है और ये लीजिए मिस फील्डिंग के रास्ते गेंद बाउंड्री के बाहर ये आया किस्मत वाला चौका। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए राम निवास सांवला फौजी साहब आ गया ताड़ी मारो एक आ गया फौजी फौजी विशाल की समझा विशाल जिन्ना मर्जी समझा दे करनी अपनी मर्जी है इन्हें अपनी मर्जी करनी है जिन्ना मर्जी समझा दे इन्हें घूंडी लानी है फौजी सामने गरारी आदि जाती है हौली हौली तंदूर च बिना फिट होता जाता पोपले लखी जाते कई जो छके लगे गए ना उदो पोपले लखन गए जिम्मे सतनाम कहता हों सीर वाला पोपले लखन गए के सीर कितों मक्या ने कि नवे की सोच वाले कर दे तरक्या ने जेने लालच के कीड़े रहने खोपड़ी च पाले और संदे एक दिन करजाई होंगे सतारवे तो लैके में अद ताई साल सामने वाली जिंदगी के ढाई होंगे साल सामने वाली जिंदगी के ढाई होंगे एक सिंगर के नाल स्कोर कहते 45 जा जुड़ा चार आउट हो चुके पहला ओवर प्रगति धिया पहला ओवर चल रहा लो इस वे बाल पाने नंदू बड़ोपल वाला तैयार है
यहाँ पे एक आवाज आई थी लेकिन विकेट कीपर के हाथों में गेंद नहीं। ठीक भाई आज ना कैच छड्या ना ए बेटा तेरे तो है रेसी जिदा कैच छड्या छड्या कीदा था था फौजी दा छड्या फौजी दा कैच छड्या फौजी ओ बंदा के तू मुंडे को मुंह तक थार रखी आ भुल तक रखया पटाके तोड़ नु ए फौजी रखा जने छक्के मार नु लाओ सामने फिर नंदूरी मार ते फौजी सामने प्यार लावी फौजिया संभल के खेल मुंडा तक आने लिए करी लगा अगले पासे लावी हा और यहां पे आई के रख फौजिया मोरिया पुठा मोरिया एक रन बड़ी तेजी के साथ पूरा कर लिया गया जेड़ा जोर देता रन 5 और 46 रन 5 ओवर 4 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर 46 रन के हो चुके थे 4 जेड़े आउट हो चुके हैं। सारे भरावां दा धन्नवाद है कि असीं जिन्हां नूं समझाउंदे सी ओह साडे लई होर प्यार करी बैठे ने जिंदगी विच सानूं पाउण लई ओह पक्की भाल करी बैठे ने मौसम बदल दे नहीं पता लगदा ओह गल विशाल गोदर आए हैं अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके असीं जीदे नूं लाई सिद्धा दिल तों लाई कई पत्ती वाला तेरे बिना बुरा हाल करी बैठे ने कई पत्ती वाला तेरे बिना बुरा हाल करी बैठे ने बढ़िया गेंद थी और यहाँ पे एक रन के लिए आसानी से खेल दिया इस गेंद को। विशाल आगे बाल पाई विशाल ने टकाने की बाल पाई है पिक सिंह ने जरा जोर दिता 47 जड़े रन जा जुड़े डूंगरगढ़ का स्कोर बहुत वधिया जड़े मैच खेडा जा रहा है और जिन्हें भी सरकार ने जो वीर बैठे सारे भरावों का धन्यवाद है और तेरे पास बाल पाने से तैयार है खेल में मैदान के अंदर जिन्हें भी सरकार ने फैसले बैठे सर का धन्यवाद और उठने पास बाल के स्टोन्स का इशारा एम्पायर के द्वारा जेड़े हो चुके हैं विशाल गुदारा के वाला पा रहा चोटी का मैच ओपी गुदारा के खेल रहा ते राम निवास एक एक कन्नी ते के आमला एक पास खड़ा राम शाह के प्यार है ना उसने पास पंडी वाला बाबा जी आ गए कमेंट के माध्यम से स्वागत है आपका जेड़े काम तो आप डरते बक्सरा वाले बाबा मैच का आनंद लेते हुए ये कमाल का शॉट खेला है वाह भाई वाह कड़क शॉट बेधड़क शॉट सीधा 4 रनों के लिए ओपी के बल्ले से पहला चौका अनारस मेघवाल राम राम शाह आना जी आप तेरे बॉम्बे बॉम्बे वाले लिखिए नी मैं मूसे पे कड़ा लाते नी कहना अनखिया गीत जाते सिरा तो ना लाऊं दे चुनिया स्कोर काउंट डाउन हो चुका है सगाते जादू भाई भाई कई दे दुनिया आप तेरे किया सगाते जादू भाई भाई कई दे दुनिया इधर पाच पाच फौजी पाच पाच फौजी आई फिर रख फौजी भाई दा फौजी नु पता नहीं कब पाप मारदा आओ चले पासे पवनजा पवनजा बालक जेडे हो चुके खेडण दे नु आपा सवाद लेना 32 रन और चाहिए अब 37 गेंदों में पाके लेके जाओ लास्ट तक नावी अगर सारे फोन करा रही नारायण लाल जी दिल्ली बहुत बहुत स्वागत है आपका मोदी क्रिकेट ग्राउंड भीलवाड़ा से हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं जहां पे एक बहुत ही शानदार आयोजन करवाया था समाज स्तर का टूर्नामेंट साहूतेली समाज क्रिकेट प्रतियोगिता समाप्ति 52 के 52 हो गया
तो क्रिकेट स्टेडियम पर सेलिब्रिटियों का आना लगातार जारी। इस समय श्रीमान खालीराम जी मैया पधार रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय श्रीमान खालीराम जी मैया का। मंच पर आए और वीआईपी चेयर पर अपना स्थान धारण किया और इसी कड़ी में श्रीमान रामलाल सिंह चांगू से भी मेरा आदरणीय श्रीमान रामलाल सिंह चांगू भी कृपया करके मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और आदरणीय श्रीमान विजेंद्र जी सहारण से भी अनुरोध, श्रीमान विजेंद्र जी सहारण भी मंच पर आए और वीआईपी चेयर पर अपना स्थान ग्रहण करें। ओके चिंदा वी कंटिन्यू लाओ सामने फील्ड का ऑलराउंडर मुन्ना फील्ड से आ रहा है। आधा भी आधा आधा पत्थर भरता जाता देख लो कि काला पत्थर बनया और जिम्मे गीतों में गल् हुई बलकार सिद्धू कहता हूं कि पिछों बनती आ गई मेरी के पत्थर जोर का खड़के मीह वर से बिजली खड़के भिज गई नाले पौड़िया नाले सारे भिज गए चरके लो उन्होंने पासे छे ओवर तो बाद स्कोर के लिए फिर देखते हैं बजरंग जी क्या होता है इस मैच का रिजल्ट। शक्ति बाला पे आगे खेला इस गेंद को गोपी ने लेकिन एक रन मिला। ये फाइनल मुकाबला चल रहा है भाई जी। राम कुमार समझा दे गली के पानी है यार भी आ एनु कह दे रू भी मेरे लागे फौजी ने दूर ना सकते मेरे लागे आ फौजी आगे पूरा फेंटा आज पूरा फेंटा तेज प्रहार किया भौजी साहब ने लेकिन बैट और बॉल का संपर्क हुआ नहीं। दशरथ जी सियाग ने बेस्ट ओवर में भेजा है विकेट कीपर के लिए। मोदी साहब के लिए शानदार सिक्स। अब 25 रन और चाहिए। और यहाँ पे मिली है सफलता। बहुत ही शानदार खेच जी हाँ। राम निवास सावला आउट होके बाहर। आप तेरा फौजी को हम बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया मैच चोटी का मुकाबला। कुछ पहले भी राम कुमार सारण के द्वारा फौजी का एक ड्रॉप किया गया था उसके बाद थोड़े से घातक साबित हुए फौजी लेकिन इस बार नंदू पटोपड़ ने उन्हें स्वीकार किया। उसके पहले नंदू पटोपड़ के ओवर में इनका एक ड्रॉप किया गया था। जिंदा वी कंटिन्यू लाओ अगले पासे एक मिनट ओके जिंदा ओके ला तगड़ा मैच है। बत्ती बाला तो कहते 25 चाहिए आई गल बत्ती बाला से 25 हमने दीपक शेरावत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब आशु जी डेटर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। आशु जी डेटर अगर बाउंड्री लाइन के बाहर एक बढ़िया गेंद अलग यादव से खेला उसे और एक रन पूरा कर लेंगे आसानी से। 500 चलो 500 कर दिया एक हाथ से आशु जी डेटर अगर बाउंड्री लाइन के बाहर खेत में पाए तो 500 रूपये भरी सभा के बीच में देकर सलमान हो गए। और यहाँ पर एक एज ड्रॉप हुआ है। राम कुमार भार घटाला वजन घटाला पहला चंद्रया कैद छी ओवर की समाप्ति है जी।
सात ओवर की समाप्ति, स्कोर 7 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद अब 30 गेंदों में 24 रन और चाहिए। गेंदबाज वापस आलोक मटीली, आप पता ला के जाना कि जेडे तारियां चीते हुए रिकॉर्ड पैदा किए हुए, फिर कदम रिकॉर्ड पैदा किए हुए। अगर भगवान का भरा आर के चौधरी फीर है साडा ते नाल गोटी मेरा तूफान जुड़ा हुआ भी साडा पता धनबाद है। देखते हैं बजरंग जी क्या होता है इस मैच का रिजल्ट। स्टेडियम पर मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा है इस समय क्रिकेट स्टेडियम पर। और सिंह सप्ते स्टूडियो रोजा से यहाँ पर स्टूडियो की सेवाएं देने के लिए, फोटोग्राफी के लिए हमारे बीच श्रीमान शिवराज जी रोज पता रहे हैं, जिनके अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है शिवराज जी रोज का। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला है रोज के द्वारा, क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा सहयोग किया गया इस टूर्नामेंट को आयोजित। दीपक ने इस गेंद को धन्यवाद। शिव शक्ति स्टूडियो रोजा शिवराज जी रोज का सुंदर वीकेंड। शिव शक्ति बहुत बड़ा धन्यवाद भरा करे फोटवा की बड़ी जिम्मेवारी सामी है भरावान ने, वो भी कहते साढ़े दरम्यान आप पहुंचे हुए बड़ा धन्यवाद है। अगली बार पाने के लिए अलोक तैयार है, पहली फटी हुई गेंद समझ नहीं पाए। वाह जी वाह बल्लेबाज ओपी, एक होर वन बाउंड से इशारे जेड़े हो चुके हैं वन बाउंड से इशारे। तांगरा ने भाई हसी हटा भी फटी आ गया एक आसवाद और गला टकाने ला दे जे पंजाबी होर होगा फिर वेंदे नजारे। फिर से एक अच्छी गेंद वाह जी वाह सफल गेंदबाज आलोक मटीली, बड़ी प्यारी सौगा ब्याह शादियों की संपर्क करो, जागरण की संपर्क करो, बच्चे का जन्मदिन दिन होने संपर्क करो, ब्याह शादियों की संपर्क करो, जे किसी का पूरा इधर उधर हो जाता भी चल रही बड़ी प्यारी सौगा। लो बल्ले पासे बल्ले 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 वाजी वाह एक गोल बल्ले 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 पासे पासे लो उधर के पासे अच्छी रनिंग दो रन पूरे कर लिए गए। संघर्ष करी जाते आखिरी कहते ओवर तक जो मैच जा रहा था मैच फस जाना किस्मत वाला जो जी हाँ चौका किस्मत वाला चौका आया इस गेंद पर। चौके में मेहनत कम किस्मत ज्यादा काम आई। अर्जन सर वाले बंदे बाला पाई आ गया संघर्ष जा रही है फौजी तेरा तोता विशाल तेरे ते निगाह टिकी आ टिकी भी की रही है। 25 गेंदों में 17 रन और चाहिए अब टिकी हुई है के खेला है अब चाहिए 24 गेंदों में 16 रन यानी कि हर ओवर से मात्र 4 रन। चौबीस बार 16 रन चाहिए रवाड़ा आया हम रवाड़ा वाह रवाड़ा 24 बाला से 16 चाहिए अड़ तड़क के स्कोर जा जुड़िया इस वे लो सामने फौकिया सोझा दे मुड़िया फौकिया राम रिवाज रवाड़ा आ गया वेखना फौजी ने स्कोर करता फौजी ने स्कोर करता लो पैंती बाल लो सामने इस वे प्यार बहुत ही शानदार शॉट खेला है और आया एक और खूबसूरत चौका फौजिया वो छोड़ता करना प्रेम प्रेम
राधे राधे मिस्टर दीपक जी जाट ओपी का नाम जरूर बोलेंगे। इस बार झुके विशाल मुंडे लागे बढ़िया शॉट खेला है और यहाँ पे हुई मिसफील्डिंग। फुल टॉस गेंद और यहाँ पे आया है एक सबसे शानदार सिक्स। वाह भाई वाह ओपी। ओपी ने इस गेंद को पहना दी है टोपी 6 रनों की। बॉल का इशारा थोड़ा पीछे चक्कर मारी मुंडे पप्पा हो गए तलिया के हो गए पीछे भाई कितने पीजा बाबू आप सुन 3 रन और चाहिए मात्र। अब चाहिए मात्र 2 रन और राम कुमार जी दर्शक आते समय कुर्सियां अपने साथ ले आए इतनी पोलाइट रिक्वेस्ट है। 2 दर्शक जहाँ बैठा है आते समय कुर्सी कमेंट्री बॉक्स के थ्रू दर्शक खड़े हो चुके हैं। 2 रन और चाहिए यहाँ पर और यहाँ पे हुए हैं बोल्ड। अब 2 रन और चाहिए मात्र। हेलो हेलो अगर मनोज सिंह साडा वीर जी ने सौदे प्यार सौदे किए पंजाबी बोलना तो फौजिया कि जी हाँ लाइव बंद नहीं करेंगे। जिन्हें भी कुर्सियों पे बैठे हो आने वक्त कुर्सी नाल लेके आओ। पड़ गया फौजी। अब चाहिए 1 रन और फौजी। मैच बराबर मैच टाई किन्ने बोलो 15 रन। फौजी ये आया है जीत वाला रन। मुकाबला जीत लिया है यहाँ पर फौजी 11 ने।
नहीं मार।